प्यार मोहब्बत इमोशंस एक तरफ, लेकिन जो तरीका सीमा ने अपनाया है क्या वो सही है? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा मुसीबत का सबब है कि कोई हमसाय मुल्क से यहाँ पहुंच जाता है और वो भी गैर कानूनी तरीके से। देखिए इस एंगल से भी लगातार जांच कर रही है लोकल पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया। सेंट्रल एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई और जब कोर्ट ने इन्हें इस आधार पर जमानत दिया कि इन्होंने नेपाल में शादी कर ली थी और जमानत देते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि आप लोग बिना पुलिस के बताए नहीं जा सकते और उसी एड्रेस पर रहेंगे जिस एड्रेस पर सीमा पहुंची थी, लेकिन तमाम जो दूसरी एजेंसियां सेंट्रल एजेंसियां चाहे वो आईबी हो रॉ हो तमाम एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर रही है कि सीमा आखिरकार पहुंची कैसे, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान से हनी ट्रैप करना एक बड़ी समस्या है जो हमारे देश के लोगों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश है, क्या सीमा उसका हिस्सा है? इसलिए जांच एजेंसियां अभी तक सीमा को क्लीन चिट नहीं दी है, क्या सीमा स्पाई की तरह ये बहुत जरूरी बात है जिसकी तरफ राजू इशारा कर रहे हैं कि क्या ये एक जासूसी का एंगल भी इसमें हो सकता है, क्या जासूसी के लिए भी सीमा यहां पर आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद सभी के जहन में होगा शिवांगी। साफ तौर पर राम, और हाल ही में हमने देखा था कि कैसे डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हनी ट्रैप के जरिए ही उनको भी फंसाया गया था और ब्रह्मोस से लेकर तमाम जो मिसाइल्स हैं उसकी जानकारी इकट्ठा की गई थी व्हाट्सएप के जरिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर तो है। सीमा अकेले यहां नहीं पहुंची है, अपने चार बच्चों के साथ पहुंची है, नेपाल में उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन अब यहां पहुंचना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजू हमें डिटेल दे रहे थे, राजू ये जासूसी के एंगल पर भी बात हो रही है? देखिए निश्चित तौर पर हम जैसा कि हमने बताया कि जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक सीमा को क्लीन चिट नहीं दिया गया है और इस एंगल से जांच की जा रही है। एक इनपुट और भी लोकल पुलिस को मिली थी, उसे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो सीमा का भाई है पाक आर्मी में भी तैनात है, तो इस एंगल से भी लोकल पुलिस जाँच कर रही है। तमाम जो फैक्ट्स सामने आए उस फैक्ट्स के जरिए जो एम्बेसी के जरिए तमाम इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं कि आखिरकार सीमा जब यहाँ पर अवैध तरीके से आई तो उसके पीछे कौन कौन था, क्या ये हनी ट्रैप का तो मामला नहीं है या फिर कहीं ना कहीं सचिन के जरिए वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करना चाहती थी, क्योंकि वो जिस तरीके से आई, पहले वो नेपाल पहुंची, नेपाल से बस के जरिए पूरी प्लानिंग के तहत बस के जरिए आई, ताकि पता है कि जो बॉर्डर है सोनौली बॉर्डर के होते हुए आई और वहाँ पर उस तरीके से चेकिंग नहीं की जाती है जो नेपाल से बसें भारत की ओर आती है, तो उसे इस बात की जानकारी थी। अगर वो किसी दूसरे रास्ते से आती है तो निश्चित तौर पर से पकड़ा जाएगा, जांच एजेंसियां अलर्ट रहती है, लेकिन अगर वो बस से नेपाल होते हुए आती है तो निश्चित तौर पर उसे कोई नहीं पकड़ेगा, किसी को शक नहीं होगा। और यहां आने के बाद भी सीमा ने किसी भी जांच एजेंसी को लोकल पुलिस को इत्तला नहीं की, वो तो एक लॉयर से सलाह लेने गई थी अपनी शादी को लेकर, उसी बात को लेकर लॉयर ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस चौकन्नी हुई और सीमा और सचिन दोनों को गिरफ्तार किया था। देखिए राजू, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सीमा ने जो तरीका अपनाया है और जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई है वो काफ़ी सस्पिशियस है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके भी कान खड़े हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रही हैं जानकारी जुटाने की। हालांकि अब देखिए सचिन, उनका बैकग्राउंड भी जांचना ज़रूरी है कि आखिर सचिन को ही सीमा ने क्यों चुना और वो क्यों भारत आई, तो ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में है। देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, रबूपुरा नोएडा के रबूपुरा में एक दुकान में वो बतौर सामान नापने तोलने का काम करता है, उसके स्टेटस उतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद सीमा अपने चार बच्चों के साथ आना, सचिन को चुनना, कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जब इस पूरे मामले में सीमा और सचिन की गिरफ्तारी हुई थी तो ये सवाल लगातार हम लोगों ने तमाम बड़े अधिकारी जो नोएडा पुलिस के थे उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये जांच का इदारा नहीं है। उनका कहना था बिल्कुल अगर ये सच्चा प्यार होता तो पहले आते और इत्तला देते भारत के जो संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर पुलिस को जानकारी देते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, ये तो लॉयर के जरिए इनके बारे में जानकारी मिली। और बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी आपने हमें विस्तार से समझाई। और अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। Zee News.